ब्यूटिफुल पीपल माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल आर देर कैसे है आप सब लोग आई नो आप सब लोग खुश हैं हैप्पी है पॉजिटिव है कूल है एकदम कूल कूल इसलिए बोल रही हो ठंड बहुत हो गई है और मुझे नहीं पता आप कौन से एरिया में बैठ के वीडियो देख रहे हैं आपके वहाँ पे वेदर कैसा हो रखा है कैसा नहीं हो रखा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों की ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है या अभी भीनी भीनी सी ठंड पड़ रही है अगर हो गई है स्टार्ट तो मुझे ज़रूर बताना आई रियली लव इट ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस यू अलॉट आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला मिस किया मैंने कल वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पाई थी मैं एंड काफी मिस किया मैंने एक्चुअली चैनल के अंदर चेंजेस करें मैंने आप लोगों को पता ही है है ना कि अब अल्टरनेट डेज पे आप लोगों के लिए वीडियो आएंगे दिस इज दिस इज लाइक ऐसा मान लो कि डिवाइन की तरफ से मुझे uh, है आदेश तो आई हैव टू फॉलो दिस डिवाइन की तरफ से एडवाइज आई तो मैं हर काम जो बोलेंगे डिवाइन उसके हिसाब से करती हूँ सिंपल इज दैट ओके तो उसी के हिसाब से आई गॉट सम रूल्स एंड रेगुलेशन सो आई हैव टू फॉलो दैम और ये हमारे चैनल और हमारी फैमिली दोनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ना तो हमारी जो खूबसूरत सी चैनल फैमिली है हम जो सारे के सारे मिल करके सेलिब्रेट करते हैं लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल वी हैव और हम सब लोग इतना खुशी खुशी इंजॉय करते तो चेंजेस हैं आप लोग कम्युनिटी में जाकर के चेक इन कर लीजिएगा आपसे कुछ इस हिसाब से टाइमिंग में आया करूंगी मैं एंड आप लोगों को बता दूं कि अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस तो मिलेंगे लेकिन इसके अंदर एक एडवांटेज जो मैंने स्पेशली फॉर माय दोस्ट पीपल जो पैशनेटली और पेशेंसफुल पेशेंसफुलनेस के साथ मुझे डेली वेट करते हैं वीडियोज़ का उन लोगों के लिए कि दिन में आपसे तीन वीडियो आप लोगों को मिलेंगे है ना खुशखबरी तो एनी ये तो चलो छोटी मोटी बातें रही आप लोगों से काफी दिन हो गए थे बात करें अच्छे से अच्छा अब हम बात करते हैं <coughs> आज की रीडिंग की आ, दिस इज एकदम फ्रेश रीडिंग अभी मैं बना रही हूँ टाइम मैं देखूँ तो अभी हो रहे हैं फाइव टेन ठीक है पांच बज के दस मिनट और तेरह तारीख है आज तेरह नवंबर वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है कि लेकिन जो लोग मुझे बहुत ही खूबसूरती के साथ डेली वीडियोस को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूँ तो, एकदम फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए ताकि मेरे व्यूवर्स को एकदम फ्रेश फ्रेश एनर्जीज रिसीव हो सकें वी आर गेटिंग वी आर गेटिंग ब्यूटिफुल न्यूज़ इन दिस वीडियो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है और आज के वीडियो जो है हमारा वो है अगले कुछ घंटे ठीक है खूबसूरत सा टाइटल है अगले कुछ घंटे तो अगले कुछ घंटे आप लोगों की जिंदगी में स्पेशली इन योर लव लाइफ क्या लेके आने वाले हैं दिस इज होल टॉपिक ऑफ दिस टूडे इज रीडिंग ओके तो चलिए चेक इन करते हैं कि अगले कुछ खूबसूरत से घंटे क्या लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए तो कई बार ऐसा होता है ना कि अगले कुछ घंटे कुछ और सोच रहे होते हैं हम तो उनके ऊपर हमें थोड़ा सा पता लग जाए गाइडेंस सो हेयर आई एम देखते हैं अगले कुछ घंटे आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच सकती हैं ईच एंड एवरीथिंग ओके हम्म वर्ल्ड किसी इंसान का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं आप लेकिन ये इंतजार कुछ डिफरेंट तरीके से है हम्म hmm, ये इंतजार कुछ डिफरेंट तरीके से है और ये इंतजार नहीं है ये समर्पण है बिल्कुल ओके सो हम्म बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहने वाले हैं आप अगले कुछ घंटे ये वीडियो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग फॉर एवरी वन और ये हर साइन के लिए हर किसी के लिए है और ना ये जो छोटे छोटे बाल दिखते हैं ना आप लोगों को ये भाई आ, है निशानी कि भाई हमारे घर पे है एक छोटू सा क्यूट सा डॉग <laughs> क्या कर सकते हैं ना क्या ही कर सकते हैं ओके okay. <coughs> ठीक है जी चलिए अब ध्यान लगा के मैं रीडिंग करने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत हंसी मजाक हो गया आ, अभी की थोड़ी सी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि आपको बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है और आपको जैसे कि मैंने बोला किसी पर्सन का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं लेकिन ये इंतजार इंतजार नहीं है ये इंतजार एक तरीके का अर्पण है समर्पण है आपने ऐसा सोच रखा है कि ये इंसान जरूर आएगा मतलब ठान के बैठे हुए हो आप थोड़ा सा आप अपने मनी फाइनेंसिस करियर इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो मैं यहाँ देख रही हूँ एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो अपनी जिंदगी में और ऐसी बात नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए हो जैसे कि इस इमेज में बताया हुआ है इस कार्ड में बताया हुआ है इस कार्ड की इमेज में कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे दुखी होकर बैठे हुए इस तरीके की एनर्जीज में नहीं हो आप ऐसा हो सकता है ये कुछ लोगों की एनर्जी है। या फिर इस एनर्जी में आप पहले रहा करते थे कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए के हैं बट राइट नाउ यू आर इन दिस किंग ऑफ पेनिकल काइंड ऑफ एनर्जी दैट नो यू हैव बेटर आउटकम्स यू हैव द बेटर इनपुट्स इन योर लाइफ एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैम इस तरीके की एनर्जीज हैं दैट मुझे इन पे फोकस करना करने की बहुत जरूरत है और मैं इन पे फोकस जरूर करूंगी या करूंगा ओके okay? अच्छा आपकी लाइफ में कोई तो कन्फ्यूजन चल रहा है या आगे आने वाले कुछ घंटों में लव लाइफ में कोई कन्फ्यूजन आने वाला है मे बी देयर इज न्यू फ्रॉम योर फ्यूचर और फ्रॉम पास्ट इज कमिंग लाइक दे आर कमिंग ओके आएंगे तूफान मचाएंगे और दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं आई एम गेटिंग मोर देन टू पीपल एनर्जी ठीक है uh, एक होंगे काफी ज्यादा इमेच्योर एक होंगे काफी ज्यादा मेच्योर एक हो सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल या वर्कोहल ओके okay? अब ये लोग आएंगे और आपकी जिंदगी में बचाने वाले तहलका तहलका इन सेंस कि ये आकर के आपकी लाइफ में आपको कंफ्यूज कर देंगे आप ऐसा सोचने लगोगे आ, कि मुझे किसको चूज करना चाहिए आप फिर एक तरीके के रोटेटिंग काइंड ऑफ सर्कल में आ जाओगे जो हमेशा से आपकी लाइफ के अंदर ना मूव uh, करता रहता है करता रहता है करता रहता है इस तरीके की एनर्जीज में पहली चीज तो ये होने वाली है आप लोगों की लाइफ में दैट यू विल गेट वन और टू काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर लव लाइफ एंड यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम देम ओके सो दिस इज द फर्स्ट थिंग अगले कुछ घंटों में होने वाली है अगले कुछ घंटे बारह घंटे भी हो सकते हैं छह घंटे भी हो सकते हैं एक दिन भी हो सकता है अड़तालीस घंटे भी हो सकते हैं ठीक है यानी अपकमिंग लाइक तुरंत बाद Hmm. पहली चीज तो ये ठीक है दूसरी चीज ये आपको कोई ऐसा पर्सन जो कि अनएक्सपेक्टेड है लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड है हो सकता है आपका कोई क्रश हो या फिर आपका कोई पर्सन हो या आपको कोई पर्सन चीट करके गया हो बिकॉज चीटिंग एनर्जीज भी है यहाँ पे हैव द फाइव ऑफ पेनिकल्स कार्ड इज देयर तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि आपको क्या करने वाला है क्या करने वाला है बेसिकली बेसिकली आकर के आपको नॉक करने वाला है uh, पहला सीनारियो तो मैंने बता दिया यहाँ पे दूसरा सीनारियो मैं बता रही हूँ जो होने वाला है आप लोगों के लिए बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड आई एम गेटिंग गाइडेंस फॉर मेनी मेनी पीपल लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लिए गाइडेंस देख रही हूँ तो बहुत कुछ है होने के लिए राइट सेकंड चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट कोई पर्सन आपकी लाइफ में नॉक करेगा एंड यू हैव टू गिव दम रिप्लाई आपको उनको रिप्लाई देना पड़ेगा आपको उनको समझाना पड़ेगा आपको उनको, उनको बताना पड़ेगा दट वट वॉज द सिचुएशन बिहाइंड दैट कॉज और आपने ऐसा क्यों किया मतलब मुझे यहाँ पे कुछ लोग सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं आगे आने वाले कुछ घंटों में ठीक है तीसरी चीज तीसरा सिनारियो जो मैं देख रही हूँ विद दिस सन कार्ड अगर आप टोटली सिंगल है लाइक यू आर टोटली सिंगल यू डोंट हैव एनी पर्सन एनी लाइफ कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में तो मैं आपको बताऊंगी एंड सन कार्ड कोई तो ऐसा है कोई तो ऐसा है जो कि आपकी जिंदगी में आ रहा है ये आपके पेरेंट्स के थ्रू हो सकता है ये किसी मेट्रोमोनल साइट के थ्रू हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले मेट्रोमोनल साइट पे किसी को चूज किया हो और फिर वो बंदा साइड हो गया हो और अभी वापस वो पर्सन आ रहा हो ठीक है <coughs> और आपको पता ही है अभी इलेवन इलेवन पोर्टल के बाद कॉस्मिक बैलेंसिंग भी हुई है कॉस्मिक चेंजेस भी हुए हैं यूनिवर्स में बहुत सारे बदलाव है तो उन बदलावों की वजह से क्योंकि हर बारी पोर्टल आता है हर बारी कुछ ना कुछ बदलाव होता है आप जो डिजर्व कर रहे होते हो वो आपको मिल रहा होता है तो अगर आप किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए थे तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी हटने वाली है एंड कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में होने वाला है मतलब कई लोग आगे आने वाले कुछ घंटों में लव ऑफर्स पाने वाले हैं कमिटमेंट्स पाने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल्स पाने वाले हैं कुछ हेडिक भी पाने वाले हैं कुछ को कन्फ्रंट पोजिशन भी मिलने वाली है कुछ लोगों को सफाइयां भी देनी पड़ सकती हैं सो बी प्रिपेयर लाइफ पर्पज आप लोगों में से काफी लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं ट यू नीड टू फोकस ऑन योर लाइफ पर्पज लाइफ गोल आप लोगों का जो है उसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है रीपेरेंटिंग सेल्फ का कार्ड है हमारे पास एंड वी हैव दरेंडिटी कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम हाउ टू ओवरकम विद नेगेटिव पीपल विद नेगेटिव सराउंडिंग ऐसा क्या करें कि मैम हमें अंदर से महसूस हो रहा है मेरे पास काफी लोग ऐसे आते हैं कि <coughs> मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है दैट दिस इज अबाउट टू हैपन ये होने वाला है ये जस्ट अभी होने वाला है बट वो चीज मुझे दिख नहीं रही है जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोई पर्सन है मेरी जिंदगी से चला गया है और मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि वो आने वाला है लेकिन वो दिख नहीं रहा है मेरे को तो मैं क्या करूं सिंपल सा आंसर है आप सभी लोगों के लिए ऐसे सिचुएशन में सरेंडर कर दो सरेंडर टोटली सरेंडर ऐसा सोचो जो मेरे लिए अच्छा है वो वो डेफिनेटली करेंगे जो अभी मुझे करना है वो है प्रेजेंट मोमेंट पे रहना जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं उसके अंदर अपना हंड्रेड परसेंट देना गॉट इट आपको ये करने की जरूरत है सेल्फ लव करो अपना लाइफ पर्पज आप लोगों को मिलने वाला है थ्रू योर लव लाइफ एंड सरेंडर करो टोटली सरेंडर हंड्रेड परसेंट सरेंडर ओके नाउ लेट मी चेक वट इज द गाइडेड एडवाइज फ्रॉम बापा टू यू ऑल सस्टेनेंस डेफिनेटली आपको एक क्लियर स्टेबिलिटी चाहिए आप बहुत ज्यादा सोचते हो एक्सेप्टेंस जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो और पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिव आउटलुक मैं पॉजिटिव ही बोल रही थी और पॉजिटिव का ही कार्ड आ गया दैट जो हो रहा है उसको होने दो अब देखो एक बात बताओ जो हो रहा होता है हम उसको बदल तो सकते नहीं है है ना और हम उसको बदलने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें प्रेजेंट मोमेंट पे रहो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं स्टेबिलिटी में आओ <coughs> सरेंडर करो एक्सेप्ट करो दैट वट एवर इज इज रनिंग इन योर लाइफ ना उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर है ओके okay? और एक लूप में जो आप चल रहे थे ना किसी पर्सन के साथ वो लूप खत्म होने वाला है कहाँ या वो कारण हाँ वो लूप खत्म होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत ही खूबसूरत आप लोगों की जिंदगी में आ रहा है अगले कुछ घंटों में तो अगले कुछ घंटों में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मिलने वाली है या इनमें से कुछ 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 आप लोगों को मिलने वाला है अगले कुछ घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं आप लोगों के लिए ये मैक्स टू मैक्स तीन दिन का खेल रहेगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग अभी कल संडे है है ना तो कल संडे है तो संडे को मैंने जैसे कि आप लोगों के लिए जो टाइम टेबल एक डिसाइड किया है क्योंकि मैं देख रही थी ना कि क्लियर तरीके से टाइमिंग्स डिसाइड नहीं हो पा रहे थे वीडियोज के और आप काफी सारे परेशान हो रहे थे बिकॉज ऑफ मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरी वजह से कोई परेशान हो तो मैंने अब उसका टाइम टेबल सेटल किया है और उसको अच्छे से फॉलो करें करूंगी मैं फॉलो अप करूंगी उसको तो कल संडे है कल आप लोगों की चॉइस पे वीडियो आएगा ऑप्शनल है ये चीज आपकी चॉइस पे भी आ सकता है कोई गाइडेड वीडियो भी आ सकता है जो मुझे हायर सेल्फ से गाइडेंस मिलेगी वो मैं आप लोगों के लिए कल करने वाली हूं सो लेट्स सी क्या आता है तब तक के लिए अपना ध्यान रखें खुश रहें अगले कुछ घंटे काफी स्पेशल रहेंगे दिमाग से काम लें दिल को थोड़ा सा नम करके रखने की कोशिश कीजिएगा अपना अपना ध्यान रखिएगा खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बहुत 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 सारा प्यार आप सभी लोगों को बाय